गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। इससे पहले हम पॉइंट सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम क्लोज सेट ओपन सेट के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल क्या होता है, समवर्त अंतराल का विभाजन कैसे किया जाता है। तो माना कि समवर्त अंतराल जो है हमारा क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी इक्वल्स टू वन है। तो यह भी माना गया है कि समवर्त अंतराल ए कॉमा बी एन भागों में निम्न प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। ए बराबर है एक्स जीरो लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू अप टू सो ऑन लेस देन एक्स एन बराबर जो है बी है। तब इस विभाजन करने वाले बिंदुओं का जो समुच्चय हो जाएगा वो उसको हम पी से डिफाइन करते हैं। पी बराबर हो जाएगा ए बराबर एक्स नॉट कॉमा एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बराबर बी। अंतराल ए बी जो है समवर्त अंतराल ए बी का विभाजन कहलाता है, तथा समवर्त अंतराल एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री एंड अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन तक जो अंतराल है समवर्त अंतराल ए बी के एन उप अंतराल कहलाते हैं, जिन्हें हम पार्टीशन इन्हें हम उप अंतरालों में विभाजित करते हैं, तो ये हमारे एन उप अंतराल कहलाते हैं। प्राय आरवे उप अंतराल एक्स आर माइनस वन और एक्स आर की जो लंबाई है उसे हम डेल आर से यदि प्रदर्शित करें तो जो हमारे डेल आर है लेंथ ऑफ इंटरवल है वो हो जाएगी एक्स आर माइनस वन। नेक्स्ट है हमारा नॉर्म ऑफ पार्टीशन यानी विभाजन का मानक क्या होता है। कुछ डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन के बाद हमारे इसके अंदर थ्योरम्स आएंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, नॉर्म पार्टीशन क्या होते हैं। तो इनके बारे में जानकारी लेकर ही हम बेस्ड थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन यानी विभाजन का मानक क्या होता है। अंतराल ए बी के विभाजन पी पी जो हमने विभाजन डिफाइन किया है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन का मानक उप अंतरालों की महत्तम लंबाई को कहते हैं। और विभाजन का मानक जो होता है वो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उप अंतरालों की वो उसे कहते हैं, और इसे हम नॉर्म ऑफ पी से निरूपित करते हैं। तो विभाजन का मानक यानी नॉर्म ऑफ पी बराबर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ डेलर डेलर सच दैट आर इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सो ऑन एन तक कुछ भी हो सकती है, जो मैक्सिमम है वो नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहलाता है। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस यानी विभाजन का समूह, सारे पार्टीशन जितने भी उनकी फैमिली किस प्रकार से डिफाइन होती है। अंतराल ए कॉमा बी को विभाजित करने वाले बिंदु एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टू है सो ऑन को बदलने पर विभाजन भी बदल जाता है, अतः अंतराल ए कॉमा बी के अनंत संख्या में विभाजन प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतराल ए कॉमा बी के समस्त यथासंभव विभाजनों के समुच्चय को पी ए बी से निरूपित करते हैं तथा इसे विभाजनों का समूह कहते हैं, यानी जो फैमिली है उसे पी समवर्त अंतराल ए कॉमा बी से हम निरूपित करते हैं। इसके बाद है रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, विभाजन का सूक्ष्मकरण या अतिशोधन अधिशोधन या शोधन क्या होता है। यदि पी तथा पी डैश अंतराल ए कॉमा बी के विभाजन तथा पी कंटेन इन पी डैश अर्थात यदि पी के प्रत्येक विभाजन बिंदु को पी डैश की रचना करने के लिए उपयोग में लाया गया हो, या पी डैश में पी के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु अधिक हो, तो विभाजन पी डैश को विभाजन पी का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं यानी रिफाइनमेंट कहते हैं। यदि पी वन पी टू बिलोंग कर रहे हैं पी ए बी को, साथ ही यदि पी जो है हमारा बराबर है पी वन यूनियन पी टू, तो स्पष्ट विभाजन जो है P1 तथा P2 का उभयनिष्ठ सूक्ष्मतर विभाजन होगा। उदाहरण जैसे हमने मान लीजिए कोई इंटरवल हमको दे रखा है 0.1, इसके पार्टीशन कौन से हो जाएंगे 0 लेस देन 1/4 लेस देन 1/2 लेस देन 3/4 लेस देन 1, तो जो P है वो हमारा हो जाएगा बराबर 0, जो सेट है P वो क्या हो जाएगा 0.1/4, 1/2, 3/4, 1, अंतराल 0.1 का एक विभाजन कहलाता है। इसी इसके जो पार्टीशंस हैं वो हो जाएंगे आई वन आई टू आई थ्री आई फोर ले लिया हमने, तो आई वन जो बराबर है वो 0.1/4, आई टू 1/4, 1/2, आई थ्री 1/2, 3/4, आई फोर 3/4, 1 होंगे। तो अंत अंतराल 0.1 के उप अंतराल ये सारे होंगे। स्पष्ट है डेल्टा वन जो है वो हो जाएगा बराबर वन आई वन के लिए डेल्टा वन हो जाएगा 1/4 माइनस 0 यानी 1/4, डेल्टा टू हम निकालें तो 1/2 माइनस 1/4 यानी वो भी 1/4, डेल्टा थ्री निकालें 3/4 माइनस 1/2 बराबर 1/4, डेल्टा फोर निकाला तो माइनस 3/4 इज टू 1/4।
तो अगर नॉर्म ऑफ पी जो है वो बराबर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ बाय डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ पी होता है मैक्सिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर हमारे पास उप अंतराल है तो इन चारों की जो लेंथ अंतरालों की जो लेंथ है उसमें जो मैक्सिमम होगी होगी चूँकि सबकी इक्वल आ रही है इसलिए हमारा जो नॉर्म ऑफ पी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। यदि इस अंतराल 0.1 के लिए निम्न विभाजन बिंदु 0, 1/4 0 < 1/4 < 1/3 भी ले लें हम < 1/2 < 2/3 < 3/4 < 1 ले तो जो पी डैश है हमारा वो हो जाएगा 0, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 1 अंतराल 0, 1 के अन्य विभाजन होगा क्योंकि हमारा जो पी है वो कंटेन करेगा पी डैश में क्योंकि पी डैश में जो है उन सारे पी के बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदु भी हैं तो पी डैश जो है वो पी का सूक्ष्मतर विभाजन है। यदि फलन एफ अंतराल ए बी में परिबद्ध हो तो फलन ए बी के प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होता है। साथ ही यदि स्मॉल एम तथा कैपिटल एम फलन एफ के अंतराल ए बी में क्रमशः निम्नक तथा उच्चक हैं तो जो हमारा निम्नक है स्मॉल एम है वो हो जाएगा बराबर इन्फिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट ए > x > b और कैपिटल एम जो है वो हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट ए > x > b के। यदि आरवे उपअंतराल हमने ले लिया xr-1, xr में स्मॉल एम आर तथा कैपिटल एम आर फलन एफ के क्रमशः निम्नक और उच्चक हों तो जो स्मॉल एम आर है वो डिफाइन हो जाएगा इन्फिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट xr-1 > x > xr और कैपिटल एम आर बराबर हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स xr-1 > x > xr। स्पष्ट है स्मॉल एम आर > कैपिटल एम आर, r = 1 to n के लिए ये हमारे निम्नक और उच्चक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डार्बू योग। माना कि फलन f जो है संवृत अंतराल ab में परिभाषित परिबद्ध वास्तविक फलन है तथा p जो है हमारा पार्टीशन वो है a बराबर x0, x1, x2, up to so on, xn तक बराबर b अंतराल ab का कोई विभाजन है पार्टीशन है तब हमारा लोअर डार्बू सम यानी निम्न डार्बू योग जो हो जाएगा योग स्मॉल s से डिनोट करेंगे इसको बराबर हो जाएगा सिग्मा r = 1 to n स्मॉल m r इंटू xr-1 बराबर सिग्मा r = 1 to n स्मॉल m r इंटू डेल्टा r यानी जो s है हमारा निम्न डार्बू योग है स्मॉल s वो बराबर हो जाएगा सिग्मा r = 1 to n स्मॉल m r इंटू डेल्टा r। फलन f का विभाजन p के लिए निम्न या निचला डार्बू योग कहलाता तथा इसे LFP से निरूपित करते हैं अर्थात LFP जो बराबर हो जाएगा सिग्मा r = 1 to n MR इंटू डेल्टा R के। इसी प्रकार हमारा अपर डार्बू सम यानी ऊपरी डार्बू योग है वो है कैपिटल S से डिनोट करेंगे कैपिटल S बराबर हो जाएगा सिग्मा r = 1 to n कैपिटल MR इंटू xr-1 इजिकल्स टू सिग्मा r = 1 to n कैपिटल MR इंटू डेल्टा R। इससे फलन f का विभाजन p के लिए ऊपरी डार्बू योग कहलाता है तथा इसे UFP से निरूपित करते हैं अर्थात UFP बराबर हो जाएगा सिग्मा r = 1 to n कैपिटल m r इंटू डेल्टा r डेल्टा r वही xr-1 चूँकि स्मॉल m r > कैपिटल m r r = 1 to 3 up to so on n के लिए अतः LFP जो है वो UFP होगा फॉर एवरी एलिमेंट पी बिलोंग टू पी और ए बी यानी फैमिली ऑफ पार्टीशंस। अब है थ्योरम्स ऑफ डार्बू सम डार्बू योग की प्रमेय हम ले लेते हैं। इसकी पहली थ्योरम है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए बी देन हमें प्रूव करना है स्मॉल m इंटू बी माइनस ए > LFP > UFP > बी माइनस ए फॉर एवरी एलिमेंट पी बिलोंग टू पी ऑफ ए बी यानी यदि फलन f अंतराल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन हो तथा स्मॉल m कॉमा कैपिटल m फलन f के ए बी में क्रमशः निम्नक और उच्चक हो तो हमें प्रूव करना है m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू LFP > UFP >
एम बी माइनस ए फॉर एवरी एलिमेंट पी बिलोंग टू पी ए बी। प्रूफ है इसका, माना पी जो है हमारा पार्टीशन जो है वो है ए बराबर एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन बराबर बी। अंतराल ए बी का कोई विभाजन है, साथ ही यह भी माना कि अंतराल आई आर जो है इसका जो इंटरवल है हमने ले लिया एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर में फलन एफ के कैपिटल एम आर तथा स्मॉल एम आर इसके उच्चक और निम्नक हैं, सुप्रीमम ऑफ इन्फिमम है। साथ ही एफ के ए बी में कैपिटल एम और स्मॉल एम क्रमशः सुप्रीमम ऑफ इन्फिमम है, तब स्मॉल एम इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर होगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी एलिमेंट आर बिलोंग टू वन टू थ्री अप टू एन तक। इसे हमने डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म को, तो हमारे पास हो जाएगा देयरफॉर एम स्मॉल एम इंटू डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आर। इसके आगे सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन तक लगा दिया तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एम स्मॉल एम डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू आर इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा लेस देन इक्वल टू आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा लेस देन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम इंटू डेल्टा आर के। तो ये हमारा जो सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एम आर है एम इंटू डेल्टा आर है वो बराबर है एम इंटू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन डेल्टा आर के लिए, और डेल्टा आर जो हमारी लेंथ है आर इक्वल टू वन टू एन के लिए तो वो हो जाएगी हमारी एम इंटू एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस टू माइनस एक्स वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स एन माइनस वन। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर एम इंटू एक्स एन माइनस एक्स जीरो, और एक्स एन को हम बी ले रहे हैं एक्स जीरो को ए ले रहे हैं, तो हमारे पास जो सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम इंटू डेल्टा आ रहा है वो बराबर हो जाएगी स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम इंटू डेल्टा आ रहा है वो भी बराबर हो जाएगी कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए के। परिभाषा अनुसार यदि हम लें तो हम सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन इंटू स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं एल एफ पी, तथा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर को हम लिखेंगे यू एफ पी। तब इन सब समीकरण से हम ले सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि एम जो है एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल एफ पी लेस देन इक्वल टू यू एफ पी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए फॉर एवरी एलिमेंट पी बिलोंग टू पी ए बी के लिए प्रूव होता है। नेक्स्ट सेकेंड थ्योरम है हमारी, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी एंड लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी एंड पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। देन पहला हमें प्रूव करना है एल एफ पी डैश जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी है। सेकेंड हमें प्रूव करना है यू एफ पी डैश जो है वो लेस देन इक्वल टू यू एफ पी है। थर्ड हमारा कंबाइंड हो जाएगा कि एल एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी के। यदि कथन है इसका हिंदी में, यदि फलन एफ अंतराल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन है तथा ए बी के विभाजन पी का शोधन विभाजन पी डैश है, तब हमें प्रूव करनी है तीनों चीज़ें कि पहली है एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी एंड थर्ड वन है एल एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी का प्रूफ है। फर्स्ट हम प्रूव करने के लिए लेते हैं, माना अंतराल ए बी के शोधन विभाजन पी डैश में इस अंतराल के विभाजन बिंदु पी से स्मॉल पी बिंदु अधिक है, मान लेते हैं हम सर्वप्रथम इस प्रमेय को हम पी इक्वल स्मॉल पी इक्वल टू वन के लिए सिद्ध करते हैं। तो माना जो कैपिटल पी है वो है ए बराबर एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन बराबर बी है, और पी डैश है हमने एक एलिमेंट ज़्यादा ले लिया बराबर है ए बराबर एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स के माइनस वन अल्फा कॉमा एक्स के अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन बराबर बी के। अर्थात पी डैश में पी के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदु अल्फा इस प्रकार से है कि जो एक्स के माइनस वन है इज लेस देन है अल्फा इज लेस देन एक्स के, अतः विभाजन पी के एन उपअंतरा हो जाएंगे आई वन बराबर एक्स जीरो एक्स कॉमा एक्स वन आई टू एक्स वन कॉमा एक्स टू एंड सो ऑन आई एन हो जाएगा एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन, जबकि विभाजन पी डैश जो है के एन प्लस वन उपअंतराल होंगे क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है,
क्योंकि ये भी उपअंतराल तो उसका के वो उपअंतराल हो जाएगा आई के, दो उपअंतरालों आई के डैश और आई के डबल डैश में हम विभाजित करें तो आई के डैश जो है वो हो जाएगा एक्स के माइनस वन कॉमा अल्फ़ा, और एक्स आई के डबल डैश हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा एक्स के में विभाजन हमने कर दिया। माना कि स्मॉल एम आर जो है वो बराबर है इन्फिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आर। स्मॉल एम के जो है वो इन्फिमम ऑफ एफ एक्स एक्स के माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के, और एम के डैश जो है वो इन्फिमम ऑफ एफ एक्स एक्स के माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, और एम के डबल डैश जो है इन्फिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के। स्पष्ट है कि हमारा जो स्मॉल एम के है वो लेस देन इक्वल टू है एम के डैश के, और स्मॉल एम के जो है वो लेस देन इक्वल टू एम के डबल डैश के भी है। समीकरण दो नाम दे देंगे इसको, तो एल एफ पी जो है हमारा बराबर हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन। तो एल एफ पी डैश जो है वो बराबर हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन आर इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू के टू एन स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन प्लस स्मॉल एम के अल्फ़ा माइनस इंटू अल्फ़ा माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एम स्मॉल एम के इंटू एक्स के माइनस अल्फ़ा के। तो एल एफ पी डैश जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन आर इज़ नॉट इक्वल टू के अप टू एन स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस वन प्लस एम के अल्फ़ा माइनस इंटू एक्स एम के इंटू एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स के माइनस वन प्लस स्मॉल एम के इंटू एक्स के माइनस अल्फ़ा। समीकरण दो से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन के, जो कि ग्रेटर देन है एल एफ पी के, यानी एल एफ पी डैश जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा एल एफ पी के। इसे समीकरण तीन नाम दे दिया, यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट सेकेंड वाला प्रूव करने के लिए हम कैपिटल एम आर बराबर ले लेते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आर। कैपिटल एम के इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स के सच दैट एक्स के माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के। एम के डैश इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स के सच दैट एक्स के माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, और एम के डबल डैश जो हो जाएगा वो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के। तो एम के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के डैश, एम के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम के डबल डैश के भी हो जाएगा। इस समीकरण हमने चार नाम दे दिया, अतः यू एफ पी डैश जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा आर इक्वल टू वन आर इज़ नॉट इक्वल टू के टू एन कैपिटल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन प्लस एम के डैश इंटू अल्फ़ा माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एम के डबल डैश इंटू एक्स के माइनस अल्फ़ा के। तो यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू हमारा बराबर हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन के लेस देन इक्वल टू यू एफ पी के। समीकरण पाँच हमने नाम दे दिया, तो थर्ड जो है हमारा बाय डेफिनेशन बराबर हो जाएगा एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश के। इसे हम समीकरण छः नाम दे देते हैं। तो समीकरण तीन पाँच और छः से हम लिख सकते हैं कि एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी के। थर्ड थ्योरम है हमारी, इफ पी वन एंड पी टू आर एनी टू पार्टीशंस ऑफ ए बी प्रूव दैट एल एफ पी वन इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी टू एंड एल एफ पी टू इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी वन, दैट इज लोअर डारबक सम नेवर एक्सीड एनी ऑफ द अपर डारबक सम। यदि पी वन और पी टू अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन है तो हमें सिद्ध करना है एल एफ पी वन इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी टू तथा एल एफ पी टू इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी वन, अर्थात निम्न डार्बू योग किसी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं होता है। इसका प्रूफ है अंतराल ए कॉमा बी के दोनों विभाजन पी वन तथा पी टू का ऑब्वियस विभाजन है हमारा पी वन यूनियन पी टू है। स्पष्ट पी वन इन कंटेन पी वन यूनियन पी टू और पी टू भी कंटेन है पी वन यूनियन पी टू में, अतः पी वन यूनियन पी टू विभाजन पी वन तथा पी टू के सूक्ष्मतर विभाजन है, रिफाइनमेंट है। तो हम जानते हैं कि एल एफ पी वन जो है वो लेस देन इक्वल टू एल एफ पी वन यूनियन पी टू है, इस समीकरण में एक नाम दे दिया। तथा यू एफ पी वन यूनियन पी टू जो लेस देन इक्वल टू यू एफ कॉमा पी टू है, जिस दूसरे समीकरण नाम दे दिया। समीकरण एक और दो से हम लिख सकते हैं कि एल एफ पी वन इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी वन यूनियन पी टू लेस देन इक्वल टू
यू एफ पी वन यूनिट पी टू लेस देन इक्वल टू यू एफ पी टू, समीकरण तीन नाम दे दिए थे। इसी प्रकार हम ये भी ले सकते हैं कि एल एफ पी टू लेस देन इक्वल टू एल एफ पी वन यूनिट पी टू लेस देन इक्वल टू यू एफ पी वन यूनिट पी टू लेस देन इक्वल टू यू एफ पी वन, समीकरण चार नाम दे दिया। समीकरण तीन और चार से हम लिख सकते हैं कि एल एफ पी वन लेस देन इक्वल टू यू एफ पी टू एवं एल एफ पी टू इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी वन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न डार्बो योग किसी भी ऊपरी डार्बो योग से अधिक नहीं होता है। थैंक यू।